बुलबुला रे। अंकल जी बेटा। मुझे भी एक बुलबुला दे दे, मैं आपको अभी घर से पैसे ला देती हूँ। पक्का बेटा अभी ला के दोगी ना? जी अंकल, मैं आपको पक्का ला के दूंगी। मैं अभी अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ दूँ, फिर उसके बाद मैं ले आऊंगी। ये ले बेटा। ठीक है, अभी मैं आपको पैसे ला दूंगी। क्या बोलूँ। हाँ अंकल, ये बच्चों वाली चीजें हैं, मुझे नहीं चाहिए, ये आप ले लें वापस। बेटा ये गन ले दे, देखो गन कितनी अच्छी है। नहीं नहीं अंकल, मुझे नहीं चाहिए बच्चों वाली चीजें, ये ले, ये भी ले लें वापस। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है चलो भाई, ऐसा करती हूँ पहले फुला लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जैनब ने तो मुझे फुलाने नहीं देने, फुला लेते पहले हम लोग। है ये फूल क्यों नहीं रहा? है तो लिक्विड ही, ये क्यों नहीं फूल रहा? जैनब साहिबा, स्लो मत चलो, जल्दी जल्दी चलो। आज टेस्ट ना सही हुआ ना तो पापा को बताऊंगी, और छुट्टी करने का इरादा ना सोचना, समझ आ गई? ठीक है। इतनी मासूम शक्ल बनाती है और निकलती अंदर से चलाक। माइदा पी, मैं कोई चलाक नहीं, देख लेना मैं टेस्ट में फुल मार्क्स लेके आऊंगी। चलो देख लेंगे, अभी तो चलो ना। आजो बच्चो, बुलबुला रे बुलबुला, बच्चों को तू चुना लगा। आजो बच्चो, आजो बुलबुले ले लो बुलबुले। माइदा पी आए ना, बुलबुले लेते। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरे पास तो है ना, आए मेरे साथ। अंकल ये बुलबुला कितने का है? बेटा ये 120 रुपए का है। अंकल 20 का? ये ले 20 रुपए, और मुझे ये पिंक वाला दे दे। अच्छा बेटा अभी देता हूँ, ये लो पिंक वाला। शुक्रिया अंकल। आजो बच्चो, आजो बुलबुला रे बुलबुला। अरे तुमने तो मेरे लिए लिया ही नहीं। मेरे पास और पैसे नहीं थे। अच्छा फिर मैं अंकल से कह देती हूँ, मैं आपको घर से पैसे ला देती हूँ बाद में, और आप मुझे 1 दे दे। ठीक है? ठीक है, वेट करो इधर। अंकल बुलबुला रे। जी बेटा। अंकल मुझे भी एक बुलबुला दे दे, मैं आपको अभी घर से पैसे ला देती हूँ। पक्का बेटा अभी ला के दोगी ना? जी अंकल, मैं आपको पक्का ला के दूंगी। मैं अभी अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ दूँ, फिर उसके बाद मैं ले आऊंगी। चलो ठीक है बेटा, पक्का ला के देना। अभी कौन सा चाहिए आपको, रेड वाला कि येलो वाला? अंकल मुझे येलो वाला दे दे। ये ले बेटा। ठीक है अभी मैं आपको पैसे ला दूंगी। ठीक है बेटा जल्दी लेके आना। बुलबुला रे बुलबुला, बच्चों को तू चुना लगा। अंकल आप कह रहे हैं ना बच्चों को चुना लगा, जब मैं आपके साथ चुना लगाने लगी ना, वो आप नहीं जानते। क्या मतलब माइदा पी? तुमने सुना नहीं अंकल क्या गा रहे? बुलबुला रे बुलबुला, बच्चों को तू चूना लगा। इसका मतलब अंकल हमें चूना लगा रहे हैं। अब मैं अंकल को चूना लगाऊंगी। माइदा भी वो तो सिर्फ बुलबुले बेच रहे हैं ताकि वो बच्चों को अपने पास बुलाए, जैसे कि हम। तुम तो हो मेरी भोली बहन, तुम्हें क्या समझ आएगी इन चलाकियों की। चलो तुम तो ये फुलाओ ना बुलबुले, और मैं भी तुम्हारे साथ फुलाती हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं किसके ज्यादा फूलते हैं। ठीक है। 3, 2, 1 गो। ओ मेरे मुंह पे तो ना करो, वो तो इधर खुद ही जा रहे हैं। कितने बड़े फूल रहे हैं। मेरे इतने कम क्यों फूल रहे हैं? वेट मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। मेरे भी अब फूल रहे हैं, रुके। जैना क्या कर रही हो तुम? देखो सबसे ज्यादा तो मेरे फूल रहे हैं। माइदा पी जरा अपने बुलबुले तो देखो, खत्म हो रहे हैं, मेरे तो अभी तक फूल है। तो भाई सालों तक रखने, खत्म नहीं करने, और वैसे भी तुमने ट्यूशन जाना है। ट्यूशन? माइदा पी अभी तो बहुत टाइम है, और आपके खत्म हो जाएंगे तो मुझसे नहीं मांगना। मैं नहीं मांगती किसी से। कितने ज्यादा मेरे फूल। अरे मेरा तो खत्म हो गया। चलो जैनब ट्यूशन छोड़ के आओ, और मुझे पानी की बोतल दे दो। वैसे आपने उसका करना क्या है? मुझे प्यास लगी है, कब से तो हम इधर खड़े हैं। दो मुझे पानी की बोतल। ले ली पॉकेट में। ठीक है चलो अब तुम आगे आगे चलो।
मायदा भी मैं ये बुलबुला अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगी। चलो जाओ और जल्दी आना, मैं तुम्हें ऊपर तक नहीं छोड़ने जा रही। ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाना घर। ओके ओके, मैं जल्दी आ जाऊंगी, बाय। चलो शुक्र है चली गई, अब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। इसे खोलो, इसे ऐसे पकड़ती हूँ और पानी डालती हूँ। ये हो गया। अंकल आप कह रहे थे ना, बुलबुला रे बुलबुला, बच्चों को तू चूना लगा, अब आपको चूना लगने लगे। अब तो चलो आजा बच्चों, बुलबुला रे बुलबुला। अरे रुको, इसे तो फेंकू मैं। बच्चों को तू चूना लगा। बच्चों गन आ गई बुलबुले वाली। अंकल अच्छा पैसे लेके एक और चीज दिखाऊं, ये देखो गन है, ये देखो ये गन ले लो, आप ये वापस दे दो, ये गन ले लो। क्या बोलूं? हाँ अंकल ये बच्चों वाली चीजें हैं, मुझे नहीं चाहिए ये, आप लेना वापस। बेटा ये गन ले दे, देखो गन कितनी अच्छी है, गन ले लो। अंकल मुझे नहीं चाहिए बच्चों वाली चीजें, ये ले, ये भी लेना वापस। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है अंकल मैं चलती हूँ। अंकल आपको तो मैंने चूना लगा दिया। बुलबुला रे बुलबुला, बच्चों को तू चूना लगा। आजो बच्चों, आजो बुलबुले वाली गन ले लो, गन ले लो, दूसरे बुलबुले ले लो, आजो आजो आजो। पता नहीं है मायदा कहाँ है, ज़ैनब को छोड़ने गई थी और अभी तक आई नहीं, मैं देखूँ तो सही जरा। अरे हायदा भी कहाँ से आ गई? अरे मायदा इधर आओ जरा। जी हायदा भी, उधर आऊँ? इधर आओ जरा, बात सुनो मेरी। हायदा भी बोले क्या कहना है, मैं जल्दी में हूँ। किस चीज की जल्दी, कितनी देर से तुम लोग का ढूंढ रही हो, ज़ैनब का तो पता है ट्यूशन तुम छोड़ने गई थी, वापस आई नहीं, शाम हो गई है। वो आयदा भी मैं नहीं बता रही, मैं जा रही हूँ। किधर जा रही हो भाई, ज़ैनब को नहीं लेके आना ट्यूशन से? वो आयदा भी मैं थक गई हूँ, आप ले आना, मैं जा रही हूँ घर। चलो ठीक है मैं ले आऊंगी। जी बात है, मुझसे भाग रही है। आजो बच्चो बुलबुले ले लो, बच्चों को तू चूना लगा। अरे अंकल अंकल। जी बेटा। अंकल ये बुलबुले कितने के? बेटा अगर गन लोगी ये 30 रुपए का और ये 20 रुपए का। अच्छा अंकल। बेटा कौन सा कलर चाहिए आपको? चले ऐसा करें ये मुझे 20 वाला दे दें, कोई भी दे दें। ऐसा करो आप येलो ले लो, ये अच्छा भी लगेगा आपको, पकड़ो। ठीक है अंकल, और ये ले आपके 20 रुपए, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, आजो बुलबुले ले लो, गन ले लो, बुलबुले वाली गन। आजो बुलबुला रे बुलबुला, बच्चों को तू चूना लगा। अब तो ज़ैनब खुश हो जाएगी, मैं उसके लिए बुलबुले लेके जा रही हूँ। चलो भाई ऐसा करती पहले फुला लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ज़ैनब ने तो मुझे फुलाने नहीं देने, फुला लेते पहले हम लोग। हैं ये फूल क्यों नहीं रहा, है तो लिक्विड ही, ये क्यों नहीं फूल रहा? ऐसा करती पहले ज़ैनब को ले लेती हूँ, फिर अंकल से पूछती हूँ। हाय जब आप इतना लेट? ओ ज़ैनब तो आ रही है, उसे लेके आई मैं। भाई ये तुम्हारे लिए बुलबुले ले रही थी। ओहो मैंने तो ले लिया और मायदा ने भी ले लिए, आपने क्यों लिए? भाई तुम्हारे लिए लिए थे, मगर ये ज़ैनब फूल नहीं रहे, देखो। मगर हाइदपी येलो वाला तो मायदा ने लिया था, रेड वाला सिर्फ बच्चा था। क्या मतलब ज़ैनब, मैंने तो मायदा के हाथ में बिल्कुल नहीं देखे बुलबुले। के हाथ में नहीं थे? और आप ऐसा करें ये मेरा पकड़े अपना दे। हाँ ये तो सच्ची में नहीं फूल रहे। हाइदपी ये तो पानी है। क्या मतलब? अच्छा इसका मतलब वो अंकल ने हमें चूना लगा दिया। हायदा भी मुझे याद है, मायदा पी ने मुझसे पानी की बोतल ली थी, इसका मतलब मायदा पी ने इसके अंदर पानी डाल के और अंकल को वापस कर दिया। अच्छा तो इसका मतलब मायदा ने अंकल को चूना लगाया और अंकल को पता ही नहीं चला और हमको खुद को चूना लग गया। चलो हम मायदा को चल के पूछते हैं, आओ ज़ैनब। हाइदा भी ने मुझे बोला था कि वो अंकल को चूना लगाएंगी। अच्छा चलो अब मैं कह रही हूँ उसके पास चलो। मेरा हार्ट तो बहुत प्यारा बना है। हाइदा भी आ गई और इनके हाथ में येलो वाला बुलबुला जो मैंने अंकल को दिया था। अरे मायदा की बच्ची इधर आना जरा, इधर आओ, अंकल को चूना लगाती हो? हायदा भी आपको पता अंकल हमको चूना लगा रहे हैं, आपने उनका गाना नहीं सुना बुलबुला रे बुलबुला, बच्चों को तो चूना लगा, इसलिए मैंने उनको चूना लगाया। उनको तो तुमने चूना लगा दिया, लेकिन बाद में मैंने ज़ैनब के लिए खरीदा और जब लेकर आई तो वो पानी था।
इसका मतलब हायदा पी जो मैंने अंकल को चूना लगाया था उल्टा आके आपको लग गया। मायदा कितनी बुरी बात है, और ऊपर से तुम हंस रही हो, चुप करो। अभी घर चलना, जरा पापा को बताऊंगी। पैसे सारे जाया करा दिया, हमें चूना लग गया। अरे कोई बात नहीं हायदा पी, 20 रुपए का ही तो चूना लगा है, कोई बात नहीं, चले अब घर चलो।